सीने में ऐसे मारा दिल के 100 टुकड़े हो अखियां गाइस, बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन की अपकमिंग फिल्म दो पत्ती का नया गाना अखियां देखोल रिलीज हुआ है, जिसमें कृति को देखने के बाद हमारा रिएक्शन तो ऐसा था कि फाइनली परम सुंदरी इज बैक। पर इस परम सुंदरी के इस गाने ने तो हमें 90s के एक गाने की याद दिला दी भाई। और ये गाना सुनकर लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर को तो नहीं, क्योंकि वो उस दुनिया में नहीं है, पर इस गाने से एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया मैम को तो जरूर कुछ याद आ ही जाएगा। खैर, उस पर तो आएंगे ही, पर पहले इस दो पत्ती के गाने पर फोकस कर लेते हैं, जिसमें कृति को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें भी मन ही मन ये लग रहा है कि भाई परम सुंदरी के बाद अब जाकर मुझे कोई अच्छा गाना मिला है जिसमें सारा फोकस सिर्फ मुझ पर ही है। वैसे अब सारा फोकस कृति आप पर ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप ही इस फिल्म पर पैसा लगा रही है तो आपको जैसा चाहिए वैसा ही सब होगा। खैर, पर दो पत्ती का ये 2:34 का अखियां देखो नाम गाना जो अभी रिलीज हुआ, उसकी शुरुआत में ही हम देखते हैं एक लंबा सा गुलाब। अरे मतलब हम कृति की बात कर रहे हैं, बिकॉज वो हाइट में लंबी है ना, तो इस गाने में एक रेड कलर की ड्रेस में वो किसी लाल गुलाब से कम नहीं लग रही। और फिर हमने किलर एक्सप्रेशन देखे उनके, डांस मूव्स के साथ वो कैमरे को भी अपना दीवाना बनाना शुरू कर देती है एंड क्रेजी कियारे वाली वाइब्स देती है। और ये गाना आपको इस तरह की वाइब्स भी देता है। कृति सैनन को इसमें जो डुअल शेड का मौका मिलने वाला है, तो दो चेहरे लेकर वो जिस तरीके से फिल्म में दिख रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे जब कृति इस गाने के लिरिक्स गाना शुरू कर देती है तो हमारा दिमाग हमें एक सिग्नल देता है, और तब हमें याद आता है 1973 की फिल्म बॉबी, जिसमें ऋषि कपूर एंड डिंपल कपाड़िया दिखाई दिए थे, और उसी फिल्म का अखियों को रहने दे अखियों के आसपास नाम का जो गाना था, उस गाने की तरह दो पत्ती के इस गाने का म्यूजिक लग रहा है। मतलब पूरा नहीं, पर इनिशियली आपको वो सिमिलैरिटी नजर आ जाएगी। इसलिए तो हमने ये कहा ना कि डिंपल कपाड़िया मैम को अपनी फिल्म का गाना याद जरूर आएगा। वैसे कॉपी पेस्ट वाली टिप्पणियां यहां दी भी जा सकती, पर वो छोड़ देते हैं, क्यों ही देना। तो आगे बढ़ते हुए इस गाने के बीच में हमें हाथ में गन लेकर बॉस लेडी की तरह खड़ी किसी की तलाश में दिख रही काजोल भी दिखाई देती है। उसके बाद इस फिल्म के लीड हीरो यानी कृति के लव इंटरेस्ट बने एक्टर शाहिर शेख भी दिखाई देते हैं। वैसे कृति और शाहिर की जोड़ी भी ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है, और उसमें काजोल का तड़का, ये तो गजब कॉम्बिनेशन होने वाला है। ऊपर से इस गाने में शिल्पा राव जैसे सिंगर की आवाज जो अभी अभी देवरा के धीरे धीरे, फिर विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का मेरे महबूब गाना गाकर, और उसमें पहले बेशरम रंग और कई सारे गाने हमारे लिए गाई है और हमारी फेवरेट बन चुकी है, उनकी आवाज में ये गाना सुनना मतलब दिन ही बन जाना। सच कहे तो दिस इज एक्चुअली शिल्पा राव एरा। और इसके साथ साथ तनिष्क बख्श, उनका म्यूजिक तो मतलब वाओ, हमें तो नाचने पर मजबूरी कर देते हैं। तो ऐसे टैलेंटेड एंड फेवरेट लोगों के कारण ही इस गाने का मजा और बढ़ जाता है। अगर आपको इस पर रील्स बनानी हो तो जाइए बनाइए, क्योंकि इसमें जो स्टेप्स है वो बहुत सिंपल है। तो एक बार ये गाना देख लीजिए और रील्स भी बना दीजिएगा। वेल, आप इस गाने के लिए, टिपिकली इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियो। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। WhatsApp hi to 8828 8500 88.